नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार हम आपको बार बार अपडेट दे रहे थे, GDS 30041 जो वैकेंसी आई है, इसकी फर्स्ट लिस्ट 8 से और 10 सितंबर आपको हम बता रहे थे, लेकिन ये तो दो दिन पहले ही आ गया। अभी थोड़ी ही देर बाद लिस्ट जारी हो चुका है। सभी 23 सर्किल का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट की PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां आप अच्छे से अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा। आपका रिजल्ट बन गया है तो कॉमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य छोड़िएगा। रिजल्ट नहीं बना है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा कि सभी 23 सर्किल में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सर्किल वाइज आंकड़ा आप देखिएगा, जैसे हम आपको बता रहे थे वही हुआ। अभी से क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी प्यारी फेरी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना। देखिए दोस्तों, डाक विभाग, डाक सेवक भर्ती, जिसे हम GDS भी कहते हैं, 30041 टोटल वैकेंसी है। शेड्यूल 2 जुलाई 2023 के नाम से यह भर्ती आई हुई है। GDS में 3 प्रकार के पदों पर सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे कहते हैं, बहुत सारे का ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बता देता हूँ सर्किल वाइज अलग अलग सेलेक्टेड बच्चे। सबसे पहले बताऊँ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से 720 कैंडिडेट्स का नंबर आया है। दिल्ली से 22 कैंडिडेट्स का नंबर आया है। इन सभी 22 में से 100% वालों का सिलेक्शन हुआ है। एक ऐसा अभ्यर्थी है जिसके 97% है, वह ST का है, इसको डाक सेवक का पद मिला है। मात्र एक बच्चे का 97 पर सिलेक्शन हुआ है, बाकी 21 बच्चों का 100% वालों का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों गुजरात, गुजरात से 1850, हरियाणा जो आपको हम बता रहे थे वही कट ऑफ गया है, 215 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, सभी की 100% है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 418, जम्मू एंड कश्मीर 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, झारखंड से 529 एंड कर्नाटका से 1714 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। आपके बिहार से 2293, आंध्र प्रदेश से 1053 और असम से 847। एक और बात, जिसका पहली लिस्ट में नाम आया है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, 16 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो 16 से पहले पहले आप पहुंच जाइए। कहां जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो वाली वीडियो देखना, आज सुबह ही मैंने वीडियो डाला, ठीक है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। और कहां जाना है ये तो लिस्ट में जो आपने रिजल्ट चेक किया वही एड्रेस दिया हुआ है। केरल से 1508, मध्य प्रदेश 1563, महाराष्ट्र 3152, नॉर्थ ईस्ट 432, उड़ीसा 1279, पंजाब से 336, सभी की 100% है भैया जी। राजस्थान से 2026, तमिलनाडु से 2994, उत्तर प्रदेश से 3077 और उत्तराखंड से 519, वेस्ट बंगाल 2111। टोटल सेलेक्ट स्टूडेंट्स की संख्या अगर बताई जाए तो 28,958 है, ठीक है। तो इन 28,958 में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्जी हैं, जिन्होंने अपनी फर्जी अंक तालिका में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की होगी, जिन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्म भरते समय बढ़ाकर परसेंटेज डाला है। लिस्ट में नाम तो आ गया है लेकिन जैसे ही ये 16 सितंबर से पहले DV के लिए जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये अभी पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट का कट ऑफ यही होता है। अभी बहुत सारी लिस्ट आना बाकी है, ठीक है, सेकंड लिस्ट आएगी, धीरे धीरे कट ऑफ गिरेगा। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है अपनी परसेंटेज बढ़ाकर के अभ्यर्थी फॉर्म भर देता है, वहां सॉफ्टवेयर आपके इसको मेरिट को निकालता है, कोई इंसान थोड़ी निकालता है, वहां ये नहीं देखता कि इसकी फर्जी है या क्या है, वहां मार्कशीट स्कैन थोड़ी करवाई जाती है फॉर्म भरते समय। तो इस प्रकार से आप टेंशन ना करें, ये आपको मैंने सर्किल वाइज डाटा बना दिया है। बहुत जल्द और हम कट ऑफ के बारे में जल्द विश्लेषण कर रहे हैं, किस प्रकार बना है, कैसे बना है, डिविजन वाइज BO वाइज, बने रहिए आप इस अभिषेक क्लासेस के साथ। पहले आप अपना रिजल्ट चेक करना टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, ठीक है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।